ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुणि थरे स्वागत। स्थानीय जिलापालक सद्भावना गृह ठारे आज जिला परिषद बैठक अनुषित हो जाए। जिला परिषद अध्यक्ष नमिता प्रधान अध्यक्षतार नुआपड़ा विधायक बसंत पंडा, खड़ियाल विधायक दुर्योधन माझी, जिलापा डॉक्टर कोमा टुडु, पीडीडीआरडे वृषभ चंद्र नायक प्रमुख मंचासीन थे। बैठक में प्रथम पूर्व बैठक बरणी और अनुपालन आलोचना होता। यह अवसर में जिला कृषि विभाग तरफ आलोचना चली समय बीमा कृषि बीमार वंचित रही चाषी और इनपुट सब्सिडर बाद पड़ा चाषी मान सभ्य उद्वेग प्रकाश करते। श्रम विभाग केतेज श्रमिक श्रम विभाग तरफ होता पंजीकरण और ताक जगेदी सहायता गुड़िक विधायक बसंत पंडा पुंगानुपुंग भाव में समस्त तथ्य गृह को प्रदान करते। सब कलेक्टर आउ डीडब्ल्यू आउ जो डॉक्टर कर मु पठे थी गोटे जॉइंट इंक्वायरी रिपोर्ट से इंक्वायरी रिपोर्ट आम गवर्नमेंट को भी पठे दे एंड आम जो हेडमास्टर अच्छा आम सस्पेंशन करके डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स आम इमीडिएटली स्टार्ट करुँ। जे सुपरिटेंडेंट भी थे भी आम सस्पेंड करूँ। आउ जे मेट्रन थे डिसएंगेजमेंट प्रोसीजिंग आम स्टार्ट कर दे विल इमीडिएटली डिसएंगेज हर अल्सो एंड एबे सब स्टाफ चेंज भी करूँ एंड आम आज गोटे डिसीजन भी नहींचु कि जो गर्ल चिल्ड्रन रोचान बोजन लॉट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया से आम गोटे स्पेशल प्रोजेक्ट नबू जोटा कि आम जिले में नुआपड़े अराउंड 2500 गर्ल अच्छा झील मैंने अच्छा जो मैंने हॉस्टल रोचान गोटे बेसलाइन हेमोग्लोबिन नबू। नुआपड़ा जिला सदर बस स्टाण एसएच ग्रुप महिला 1,50,000 टंका लुटी नहीं दुर्बृत्त। सूचना मते आज दिन प्राय दुईटा समय नुआपड़ा जिला सदर ब्लक दरलीमुंडा पंचायतर जयमा महालक्ष्मी नामक स्वयं सहायक गोष्ठी 12 जन महिला नुआपड़ा भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा ठार 1,50,000 टंका उठे निज गाँव को जीवाई नुआपड़ा बस स्टाण्रे बस उपरक चढ़ुवा समय एक आपाचि गाड़ी में दुई जन दुर्बृत्त महिला हाथ में थी टंका जरीथली छड़े नहीं फेरार मारे। घटनास्थल किसी भद्र व्यक्ति बाइक टी पिछा करते दुर्बृत्त व्यस्तारे नुआपड़ा रेल स्टेशन परिसर भितर पशि रास्ता नपाई निज बाइक टी रेल स्टेशन पाखे छाड़ फेरार हो जाती। बाइक में आए और महिला चिल्ला रही थी तो मेरे को पता चला कि कोई नेकलेस वगैरह चोरी करके ले गए होंगे। करके बाद में पता चला कि बाइक चुरा माने इतना तेज़ रफ्तार में चुरा के भाग रहे थे तो माने 100 के स्पीड से भी पार है क्या। मेरा बाइक तो 80 के ऊपर मैं कुदा के देखा मैं पर भी पार नहीं पाया। पर भी इन लोग को पूछा मैं तबेरा वाले एक जन को तो वो बोले कि यह अपना राइट साइड करके गए हैं रेलवे स्टेशन तरफ करके। तो मैं आके देखा सामने स्पॉट में तो अपाचे गाड़ी एक तो मिला थाना रे केस टे 167 नंबर केस 379 IPC रे केस टे गई तार तदंत करुचु बाकी तार तदंत चले CCTV फुटेज वगैरह सब कलेक्शन करके तार तदंत आम आगे बढ़ू। आम एडीबी बैंक रे आई आज्ञा आउ 1,50,000 टंका बाहर करूँ से लोग मैंने आम के पास देखु थे तापर आम जिते पैसा धरिक आसूँ से बस उपर चढ़ला के बस रु लुटी कर नहीं जाइछ 1,50,000। शिक्षकों अवहेला जीवन हर छात्री एभली एक अभावन घटना घटी नुआपड़ा जिला सदर थाना कटेनचुआटे कन्या आश्रम। नुआपड़ा जिला कमना थाना अंतर्गत समर सिंह पंचायत खजुरीबाल ग्रामर मोहलाल सबर 9 वर्ष झील मिली सबर नामक चतुर्थ श्रेणी छात्री आज मृत्यु घटी। सूचना मते 5 दिन धरे मिली ज्वर से पीड़ित थे आश्रम भल भाव सठिक देखभाल होनार आज सन्ध्या 6:30 समय मिलीर मृत्यु घटी। एने मिलीर परिवार पक्ष थाना अभियोग कर नुआपड़ा मेडिकल रे थिली आम से संतोष भाई के एडमिट कराई छे जेते बेले पेशेंट के धरिके आसले से मने ऑलरेडी छुआ डेथ कर जाइला छुआर किसी नहीं थी आ तार भाई कहवा हिसाब से स्कूल रे का डेथ कर जाइला ताके जबरदस्ती आनी छन बजरंग के मने बहाना करूछन प्रकृत से 4 दिन कि 5 दिन तार देह असुस्थ थिला से ज्वर रे मलेरिया ज्वर रे कारण आक्रांत थिला ब्रॉड डेड पेशेंट आसथिला अबाउट 10 इयर ओल्ड 11 गर्ल बस सो व्हाई जस्ट इन्फॉर्म टू पुलिस स्टेशन पोस्टमार्टम करू डेथ मुझ जानी मत कह तोर माँ बापा को कहदेबु जे हॉस्पिटल के जी डायरेक्ट हॉस्पिटल के बोले सर मन मैम मन। सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर निकट में एक पोखरी हुड़ा निकट एक नवजात पुत्र शिशुर मृतदेह ठाब कर घटना प्रकाश जाए स्थानीय किसी बासीदा शौचपाई पोखरी को जाता बेले पोखरी हुड़ा एक नवजात पुत्र शिशुर देह पड़ता देखी बणाई पुलिस को सूचना देते फल पुलिस सूचना पाई घटनास्थल में पहुंची मृत नवजात शिशुटर मृतदेह को जबत करने घटनार तदंत जारी रखी।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପୁଇଁଥିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରାସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତଥା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକାଂଶରେ ବାଟମରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈରାସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ପୁଇଁଥିଲା ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଏ ଗାଁ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା 80 ପରିବାରର 250 ଜଣ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଦେଖ ଆମର ଘର କେବେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ରହୁଛେ ମୋତେ ଦେଖ 80 ବରଷ ମୋତେ ହେଲା ଆର 300 ଟଙ୍କା କେନ୍ କାରଣ ପାଇନି ମୁଇଁ 500 ନି ପାଇନି ମୋତେ କାଁ କରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନି ମିଳିବା ସବୁ ହେଲା ରୋଡ ହେଲା ରାସ୍ତା ହେଲା ସବୁ ହେଲା କାହିଁକି ଆମକୁ ଘର ନି ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନି ହେବାର ବିଦ୍ୟୁତ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ଆମକୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଲାଇନ ବି ହେଲା କାଁ ହେଲା ଆମକୁ ଘର ନି ହେଲା ଆମର ଘର ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ କେନା ରହେମୁ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଆମକୁ କାହିଁକି ଘର ଦ୍ୱାର ନି ହେବା ଆମେ 50 ବରଷ ହେଲାନ ଆଇକରି ଇନେ ଅଛୁ ଆର କାଁ ହେଲା ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନି ମିଳୁଛି ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକେ ଘର ମିଳୁଛି ଆମକୁ କାଁ ହେଲା ନି ମିଳିବା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହେଉ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ କୁଇଁଟିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରାସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫିଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ନୂଆପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି। କୁଇଁଟିଲା ବ୍ଲକରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଶଳ କଲମ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ 19ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ନାଟ୍ୟ ଭୂଷଣ ଜଗବନ୍ଧୁ ଛୁରିଆ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଯଥାରୀତି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।